तू लड़ा तो नहीं उनसे? नहीं लड़ा नहीं हूं मैं, लेकिन हक की बात करके आया हूं। वो तो तुम हमेशा ही करते हो, तुमने कहा क्या उनसे? वो सब बोला मैंने, जो बोलने से उन्हें तमाम भूली हुई बातें याद आएंगी। कहा मैंने उनसे कि ये कंपनी सिर्फ उन्होंने शुरू नहीं की है, मेरे बाप ने भी शुरू की थी। 50% का पार्टनर है वली, किसी की इतनी जरूरत इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे मेरे प्रोजेक्ट मेरे बाबा के ख्वाब से जिसमें सालों काम किया है ऐसे ही कोई हटा देगा मुझे? कहा मैंने ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, और राहत साहब को भी बता दिया मैंने। कहा कि सुबह वली आएगा और सुबह से आप मेरे दफ्तर में बैठ के मेरे साथ काम करेंगे। सब याद दिलाया, सब कह दिया मैंने। तो तुम उन्हें इन्फॉर्म करने गए थे, आगे से उनका क्या जवाब था? कुछ नहीं, खामोश रहे। घर जाके चाचा सोचेंगे तो ख्याल आएगा उन्हें। तुम एक बार महवेश आंटी की नॉलेज में ये बात ले आओ एटलीस्ट। माँ, माँ से बात करने का कोई फायदा नहीं है अनस। उनसे बात करूंगा तो बेटा समझ कर नहीं सुनेगी, वो आजकल सिर्फ दानियाल और चाचा की बात सुनती है। उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। तुम उनसे बात करो या ना करो, मगर मैं उन्हें सच जरूर बता कर रहूंगा। मैं बात करूंगा उनसे। तेरी मर्जी है, लेकिन मैंने उन्हें सच सच बोल दिया, सब बता दिया। मेरा प्रोजेक्ट है, ऐसे कैसे कोई कर सकता है? अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो भैया, कोई परेशानी तो नहीं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? बहुत बुरा हूँ। ऐसे क्यों कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा, पूरा जमाना कहता है। क्या हुआ है, कोई बात हुई है? इतने परेशान क्यों हैं? बताए ना, चुप क्यों हो गए? आप सुन रहे हैं?